चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वह एक्सलेंट टीम है और इस टीम का लीडर मैं सौभाग्य से बन गया हूँ। तो बात मैं जो हूँ, मैं अभी गया था दिल्ली में, वहाँ कोर्स के लिए एक महीने का कोर्स हमने किया। मैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित अपने को महसूस कर रहा हूँ कोर्स के बाद, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो मेरे उस समय मेरे संज्ञान में नहीं था वो हम मैं कुछ आइडियाज वहाँ से लेकर आया हूँ, कुछ वीडियो लेकर के आया हूँ, कुछ और लेकर के आया हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, एक वहाँ खास बात जो थी वो थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हम लोग पढ़ाते तो हैं, हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ करें कि ताकि और जो हमारा बच्चों के प्रति जो हमारा बच्चों को केंद्र में रख करके कुछ और बढ़िया कर सकें। तो इस संबंध में हम लोग आपका हम बताएंगे अपने विचार कि कैसे और कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आप बताइए। हाँ। साइंस टीचर आप कल्पना जी, आप बताइए कि कैसे साइंस में आपका। सर, जो मेरे विचार में यह है कि बच्चों को जो हम पर्यावरण जो है पहली से पांचवी का, उसके अंतर्गत बच्चों की जो हम पोर्टफोलियो जो एक्टिविटी करवाते हैं हम लोग, या जो भी उनको पेपर पेंसिल टूल देते हैं या इस प्रकार के कार्य कराते, तो उनको क्लासरूम में, सर मेरा सजेशन है कि दो इस प्रकार के बुलेटिन बोर्ड टंगवा दिए जाएं जिसपे कि बच्चों की जो एक्टिविटी के जो जो उनके हैं प्रूफ, वो वहाँ पे प्रदर्शित किए जाएं, जिससे कि बच्चों में क्या है कि उनका जो पोर्टफोलियो हम फाइल में संधारित करते हैं और फाइल क्लास में रखी रहती है, लेकिन अगर हम क्लास में इस प्रकार के बुलेटिन बोर्ड लगा देंगे तो उससे क्या है कि बच्चे को कौतूहल बढ़ेगा कि मेरी रचना वहां पर लगी है, तो हर बच्चा एक्टिव होगा और सोचेगा कि कल को मेरी रचना वहां पर लगे, तो ये उनमें अपने आप ही सेल्फ मोटिवेशन होगा। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि थोड़ा सा बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस करने के लिए हम योगा क्लासेस भी चालू करें, तो उससे क्या है स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी उनकी, और जब सुबह उठकर वो योगा करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हमारे यहाँ ड्रिल होती है, एक्सरसाइजेज होते हैं, लेकिन योगा थोड़ा कम होता है, मुझे लगता है महीना में एक बार। आप चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। गुड गुड, बहुत अच्छी चीज है, हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, और कंसंट्रेशन योगा से आता है और बच्चों का बिखराव मस्तिष्क का। लिटरेचर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लर्निंग का। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख पाते हैं तो किसी भी भाषा को, मैंने किसी भी विषय को हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। सो आप दोनों हमारे जो इस विद्यालय की लर्निंग की जो है वो पिलर है। आप अगर तैयार हो जाएंगे तो इसी रेल पर, मैं ये कहूँ कि पटरी है आप, इसी पर पटरी पर हमारे मैथमेटिक्स की, साइंस की, सोशल साइंस की गाड़ी दौड़ेगी। तो आपका बहुत बड़ा रोल है, आप हैं ही इस योग। कैसे दरअसल इनका सुन ले, कैसे कैसे आप क्या आपकी। और तो एक्टिविटीज हम स्कूल में करते हैं, इस बार हम थोड़ा ग्रुप डिस्कशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं क्लास में, थोड़ा कुछ लिटरेचर पढ़ें फिर ग्रुप डिस्कशन हो। ये सर बहुत जरूरी है, आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन जरूर होता है उसके, जरूर। तो बच्चों को अभी से तैयार करना चाहिए। तो आप इसके लिए कुछ योजना आप दोनों मिलकर बनाएंगे, कैसे करें। सर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जल्दी आपके सामने योजना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। चलिए सर, अपने विद्यालय में प्रायोगिक कार्य भी होना चाहिए। प्रायोगिक, हाँ, प्रायोगिक कार्य से क्या होता है कि उसकी सीखने की क्षमता में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उसको पाठ को पढ़ाएंगे तो उतना अच्छा नहीं है, ताकि उसको प्रैक्टिकल बेसिस अगर बताएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे अपने विद्यालय के। सर अभी साइंस फेयर जो होने वाला है अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी लेटर सर ये डीओ की तरफ से आया था, ये अच्छा। ये मैं थोड़ा सा उन्होंने ऑफिस से लिया था मैंने। हाँ। और इसमें भी बच्चों को मॉडल्स बनवाने हैं, तो मॉडल्स के लिए भी हम लोग उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम सभी साइंस की जो टीम है वो सब मिल करके इनको थोड़ा। आप इन राजेश जी के साथ मिल करके उनका सहयोग लीजिए, और उनके पास भी नए नए विचार हैं, और आप दोनों मिल करके बच्चों का कोई एक ऐसा ऐसा और बेहतर स्कूल लेवल पे हम लोग बच्चों को एक मौका दे दीजिए, ओपन मौका दे दीजिए कि कौन कितना बढ़िया कर सकता है, और उसके बाद जो मॉडल्स आपके पास चुन उनके मौलिक जो विचार चुन करके आते हैं, मौलिक मॉडल जो आते हैं
उसको फिर आप लोग अपने तरफ से रिफाइन कर दीजिए। सर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स को भी इनवाइट करें, जब स्कूल में साइंस पीरियड होते हैं पेरेंट्स भी आए ताकि उनको भी देख करके लगे कि विद्यालय में क्या कुछ होता है और बच्चों की जो उनका कौशल है उसको देखने का अवसर मिले और उनको बच्चों को मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छे सुझाव है। पेरेंट्स को तो हम लोग एनुअल फंक्शन वगैरह में करते हैं। सर ये अभी लास्ट वर्किंग डे के दिन हम लगाते हैं ताकि उस दिन पीटीए की बैठक भी होगी तो उसमें ये दोनों काम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपके एब्सेंस में हमने बहुत मिलजुल करके काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने सोशल साइंस के सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्रुप बना करके ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वो भी सॉल्व कर लिया। अब हमारी प्लानिंग है कि हम नियर बाय में फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट के माध्यम से हमने जो चैप्टर्स कवर किया है उसको वहीं पर देखेंगे। जैसे मान लो रिवर की बात है तो उसमें जो रॉक्स के वैरायटीज है वो हमने वहां पर, इसलिए हमने राजरप्पा सिलेक्ट किया है सर। वो धार्मिक स्थल भी हो गया, ऐतिहासिक भी हो गया और वहां पर जितने भी रॉक्स है या रिवर्स है, सॉल्स है, फॉरेस्ट है, माइंस है, ये सारे हम विजिट करके बहुत अच्छा रिजल्ट वहीं पर वो सर। ये भी कोल माइंस भी है वहां, जी सर, जी सर, जा सकते हैं, ओपन माइंस सारी चीज है उसमें। तो हम लोग बहुत अच्छी ये चीज है तो उसको थोड़ा सा प्लान करके आप ये सब प्लानिंग कर लिए सर। बस वगैरह सारे अरेंज हो गए हैं, बच्चे ने पैसे भी कलेक्शन कर लिए हैं। और परीक्षा आप विमल जी, परीक्षा जो है आप परीक्षा प्रभारी है तो सब ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा सब्जेक्ट वाइज आपके पास वो जो कमजोर बच्चे हैं उसकी सूची आ गई है क्या? अरे सूची ले ली है। हाँ गुड, तो उनको नेक्स्ट टाइम दे देंगे आप। हाँ उनको उस सूची के अनुसार आपको थोड़ा सा बच्चों सर की हम सोच रहे हैं ना शनिवार को कल्चरल प्रोग्राम करके टीम एक्टिविटी हम बच्चों को करेंगे, जिससे उसमें एक टीम भावना जगेगी और उत्प्रेरित होके बच्चा नवाचार से सीख के सर। तो शनिवार को लास्ट वर्किंग डे तो उस दिन शुरुवार जब इंटरवल से पहले वाले टाइम में हम साइंस फेयर का कर लेते हैं, बाद में कल्चरल एक्टिविटी का, ताकि पूरा ही दिन उसका बच्चों का सबका एक साथ गार्जियन भी रहेंगे थोड़ा उसको भी वो भी आनंद ले सकेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम सब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्टाफ के बीच में बैठता हूँ।